नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि माथुरी प्रथमे हेडलाइंस सरिला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज राज्य में नुआ गाइडलाइन लागू अगस्ट एक पर्यंत आंशिक लॉकडाउन बलपत्र खोलिबो जिम स्पा ब्यूटी पार्लर गड़िबो बस अन्यपटे यात्रा परिवेशन को अनुमति देवा कलाकार दावी देशे कोरोना उत्पत्ति स्थल को नहीं मत बदलला विश्व स्वास्थ्य संगठन वुहानु कोरोना उत्पत्ति लिंक को एड़ाई न दिजापे कहले हूर मुख्य महामारी उत्पत्ति स्थल खोजपे वैज्ञानिकों सहयोग करने को चीन को परामर्श मध्यप्रदेश विदिशा जिले में बड़धरण अघटन लालपठार गांव में जन को बचाई जा कूर खसी पड़े तीस अधिक तीन जन मृतदेह उधार बेपी फसी रही अनेक कोड़े लक्ष भारतीय अकाउंट को ब्लॉक कला ह्वाट्सअप अश्लील तथा उत्तेजना सृष्टिकारी पोस्ट अभियोगे कार्यानुष्ठान देश में नुआ डिजिटल आईन लागू पर प्राथमिक रिपोर्ट में तथ्य प्रकाश जीएसटी क्षति भरणा लगे केन्द्र सहायता प्राथमिक पर्यायर राज्य और केन्द्रशासित अंचल को 75,000 कोटी सहायता राशि प्रदान चलित आर्थिक वर्ष में बाकी 50% अर्थ राशि प्रदान करने केन्द्र लक्ष्य सीमा विवाद नहीं उभय देश एलएसी उपरे छिड़ा होगा आवश्यक ताजिकिस्तान वैदेशिक मंत्रीस्तरीय बैठक पर चीन रखिला आभिमुख्य विवाद नहीं कौन एकपाखिया निष्पत्ति को भारत बर्दाश्त करना कड़ा आभिमुख्य आज श्रीक्षेत्र में हेरापंचमी नीति नंदीघोष रथर चक भांगे मां लक्ष्मी नाकुचणा द्वार दहीपटी मणही नीति संपादन करे भीतरछ महापात्र राग जर्जरित चंचला आड़प मंडप दर्शन देवे महाप्रभु संपूर्ण खबर को सरला पंचम पर्याय लॉकडाउन आज सारा राज्य में लागू है नुआ गाइडलाइन अगस्ट एक पर्यंत आंशिक लॉकडाउन जारी रहिबो राज्य में किसी नियम कोहल कड़ाकड़ी नुआ गाइडलाइन अनुसार सारा राज्य में गड़िबो बस पुरी रे रथयात्रा चली 25 जुलाई जाए बस चलाचल करें सारा राज्य में ऑटो टैक्सी चलाचल कर आज जिम ब्यूटी पार्लर स्पा खोला रहिबो छोट सालून को पूर्व अनुमति मिलता बेले एवं बड़ सालून खोल पार्क मॉल सिनेमा हॉल वो बार बंद स्कूल कोचिंग सेंटर खोल यहसह रेस्टोरेंट और उठा दोकानी केवल पार्सल नहीं पारे पूर्व भली कैटेगरी ए रे 20 और कैटेगरी बी रे सही 10 जिला रही कैटेगरी ए सकाळ 6 राती 8 जाए दोकान बजार खोला रहिबो कैटेगरी बी रे सकाळ 6 संध्या 5 जाए दोकान बजार खोला रहिबो कैटेगरी ए जिला रे सप्ताह 7 दिन सकाळ 6 रु राती 8 जाए दोकान बजार खोला रहिबो राती 8 रु सकाळ 6 जाए नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो सेपरी कैटेगरी बी रे थिबा 10 जिले में सप्ताहांत शटडाउन बलपत्र रहिबो यहसह पूर्व भली नाइट कर्फ्यू जारी रहिबो एने अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी बालेश्वर आम प्रतिनिधि प्रकाश महंती प्रकाश जानिया को चाहिबो वर्तमान समय जो नुआ गाइडलाइन आसी ये नुआ गाइडलाइन को बालेश्वरवासी केते स्वागत करिसेंते एवं केते सचेतन अछंते निश्चित भाव माध्यम देखते जो भाई भाव कल राज्य सरकार नुआ गाइडलाइन आनी कैटेगरी बी जिला मानक जो सब गुरुत्वपूर्ण कथ जो बस सेवा ठप थी ता बस आज गड़ब आज सका बालेश्वर भुवनेश्वर अभिमुखे बस जाइए किंतु कौटना कौटी पूरा स्वाभाविक हो पारे ये बस सेवा आप जानते हैं जेहेतु जो मैंने बस कर्मचारी जो मैंने थे ड्राइवर कंडक्टर हेल्पर एमती कि मालिक मैंने गोटे पटे जीविका परिवर्तन करते किए चा दुकान करता तो किए पान दुकान करता बस गुड़िक दीर्घ दिन धीरे छिड़ा होगा जगह कहार बैटेरी ना कि अन्य जंत्रांश खराब हो छड़ा आज गुरुत्वपूर्ण कथ हो राज्य सरकार अनुमति पाई अनरोड हाँ जो अनुमति मिली ना से बस गुड़िक संपूर्ण भाव जो स्वाभाविक हवा कथा ता बर्तमान हो पारिना आप जानते हैं जैक बालेश्वर जो बस स्टाण रही है बस स्टाण आप लोक देखुं जी देखुं जो समन्वय स्टाफ मैंने आसीपारिना तो एने की आम प्रथम बालेश्वर जो बस ओनर अच्छा मालिक अच्छा सहित आम प्रथम आलोचना करें आज्ञा प्रथम तो देखिए दीर्घ दुई मस रु अधिक समय पर आपको अनुमति मिली बस सेवा जोगाई बस गढ़ापी आपत बर्तमान प्रस्तुत अच्छा आने की कौन कहे प्रथम जेहतु राज्य सरकार बर्तमान अनुमति दे सारी कि बस चलो एने की कौन रही सरकार पदक्षेप को आम स्वागत करुच्छू
किंतु आमर सरकार पाखे तीन टी कथा निवेदन थिला जे प्रथमे आमर तीन मासर टिकस छाड़ जो थे कि जुलाई मासर टिकसटा को सरकार छाड़ कर अगस्ट सेप्टेम्बर छाड़ करना द्वितीय कथा हला जे आमर शहे लक्ष टा सॉफ्ट लोन आमको दि जाऊ चबिशी किस्ती आम बिना सुधर फेरई देवु जो थे गाड़ी चलवापी बर्तमान डीजेल शहे टकर चलू भाइबिलिटी आणवाई आमपाई भारी कष्टदायक एवं आमर जंत्रांश बैटरी और आनुषंगिक जंत्रांश सब डैमेज होड़ी से सॉफ्ट लोन शहे टा लक्ष टा दरकार तृतीय है जे आमर इन्सुरेन्स जो लॉकडाउन पीरियड रे जो बंद था इन्सुरेन्स अविधि ऑटोमेटिकली ये करा जाऊ जो छाड़ करा जाऊ अविधिटा बढ़ा जाऊ जो कि आम सुजोग पाइबु जे सरकार ये जो पदक्षेप को आम स्वागत करूँ सरकार आज बर्तमान सब के बर्तमान आप अच्छे कि बस चल स्वाभाविक जो पूर्व भाई थी से जी हे एस नहीं आशंका भितर रोच जो भाई सर कहते केमी बर्तमान लोक जी के देखुं कि आ बर्तमान तो आज प्रथम सरकार बस को चलार निष्पत्ति निगला आज आज से भाया जना पड़ना कौन पैसेंजर केते हेबे कौन हे कि गोटे दुईटा गाड़ी चली जो स्वाभाविक होगापी आमको निहाती गाड़ी चलने चार पाँच दिन तो मिनिमम दरकार कल तो सटडाउन पर्दिन सटडाउन तेणु सोमवार पाखु किसी गाड़ी चली पारे आउ किसी गाड़ी चलने को स्वाभाविक है एक तारिख बेलू जा अगस्ट एक चलार पूरा मानने आशा कर चलो बोली द्वितीय बर्तमान जो भाया डीजेल दर से भी मालिक मैंने मालिकों पाखे से भाया जी बर्तन आसे भाई जी आसे पूर्व भाई जो भाई थी स्वाभाविक हम कम समय लगे एस नहीं जो आशंका रही स्टाफ मैंने किसी नहांती जीविका पर गोटे प्रकार कर सारी से आसपाई तो बर्तन सकाल देखु जेहतु अनुमति मिली आप बस स्टाण रे आसिले बस भी लगे केत्री आसना बर्तमान से भाया जत्रीर होना कल डिक्लेयर है डिक्लेयर हाँ द्वारा कल फिर सटडाउन अच्छी तेणु जना पड़ सोमवार दिन पाखु केत्री फ्लो आसो बालेश्वर बस स्टाण को तेणु स्वाभाविक हमारे निहत सोमवार पाखु जना पड़े आम सहित देखिए जो बस कर्मचारी अच्छा आज्ञा कौन कहे दीर्घ दिन पर आप आज टिकट काटुच्च जत्री आसे जो अपेक्षा करते दाबी बहुत समय रोला कि आम जीवन जीविका सरकार चिंता करपत्ति ना चिंता आज्ञा एक तो गोटे कथा सरकार कौन कहीं किसी आम कथा बुझे ना आम जो दुई मस घर बसिलु आमर कौन पर जीविका किसी ही ना आम बस रटिले हिं खाइबु आमको द्वितीय चारा ही किसी ना आम जो दुई मस बसीगलु आमको सरकार तरफ किसी ना कि आम बस यूनियन तरफ आमको किसी ना आम घर चलू कमी सेमती कहीं टी सरकार कौन आम यूनियन कौन टे भाव दरकार थे आम जो खट सरकार कौन यूनियन को बुझे आज बोलते जहाँ भी सरकार निष्पत्ति मालिक मैंने आपने प्रस्तुत अच्छा कि जत्री को कौ भाव सेगा दबाई देव जो कॉविड कटका अच्छी मानिक जत्री मानक जत्री मान कटक जत्री मान सुरक्षा देवाई आम प्रस्तुत अच्छु बुझे ना तेणुकर जत्री मान पड़ो आम तो बर्तन पिस्थित एमती है आम जी मैं कौन पिस्थित कौन सुरक्षा देवु तेणुकर आमको बर्तन जीवा जीवा पोषा को अच्छे जेकोसी मत हो गाड़ी चलने आम चीरभुक्त हम रोजगार कर प्रकाश जो दृश्य आपको देखा तो कौटना कौटी लोके जीवन जीविका को सरकार गुरुत्व देता बेले जो मैंने बस मालिक मैंने से कौटना कौटी ये जो निष्पत्ति निजाई से निष्पत्ति को स्वागत करुंच बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश आपंकर तमाम सूचना और आलोचना आसे परवर्त खबर को सब खोल जत्रा पार्टी खोल ना जत्रा पार्टी खोलने अनुमति देवा राज्य सरकार को अनुरोध करा पार्टी मालिक संघ उठा दोकानी एवं अन्य को राज्य सरकार सहयोग करिछंती मात्र यात्रा कलाकार को पुणी अनदेखा करिछंती संघ कहिछे यात्रा बंद थिबारु कलाकार माने बहु असुविधार सम्मुखीन होछंती जदि राज्य सरकार किछ आर्थिक सहयोग जोगाइ दियंते तबे यात्रा कलाकार माने उपकृत होते आमे बारंबार अनुरोध करूछु किछि भी विकल्प चिंता करूँ कलाकार ना ओडिशा कलार राज्य ये कला जदि लोप पाई ताहले मान ओडिशा गोटे कलार राज्य बोली आउ बाहर राज्य रे निजर गर्व देख पारना तेणु मोर अनुरोध केमी कलाकार बचे सरकार तार गोटे कि चिंता करते सब अच्छा आम गोटे कि आलोचना कले पुणी जदि हुए सरकार पाखक जावाई बा सरकार को पुणी किसी अनुनयन करने जदि आवश्यक पड़े ताहले किसी गोटे आम बस चिंता करवाई को पथर रे छेची छेची हत्या घटनाटी घटी ब्रह्मपुर उपखंड रंडा गाँव रिचंद साहि
झिकिपतर गांव शशुर घर रंधा को आसीथिले दिलीप दास तेरे तांको शशुर घरे हत्या करा जायतिबा सूचना मिली। घटनारे जणको अटक रखा जायछि। बर्तमान बड़ खबर जे आसे पहुंचुछि ज्वाई को पथर रे छेची हत्या करा जायछि आ एभली घटना घटिछि ब्रह्मपुर उपखंड रंटा गांव हरिचन साहि रे झिकिपतर गांव शशुर घर रंटा को आसीथिले दिलीप दास तेरे तांको शशुर घरे हत्या करा जायतिबा सूचना मिली। घटनारे जणको अटक रखि अधिक पचराउचरा जारी रखिछि पुलिस। ज्वाई को पथर रे छेची हत्या और एभली अभियोग रे जणों को अटक रखि पचराउचरा करुछि पुलिस। एभली घटना सामना को आसी ब्रह्मपुर उपखंड रंटा गांव हरिचंद साहि रे झिकिपतर गांव शशुर घर रंटा को आसीथिले दिलीप दास तबे शशुर घरे तांको हत्या करा जायतिबा सूचना मिलिछि। आउ ए खबर आसुछि ब्रह्मपुर रंटा गांव हरिचन साहि रु दिलीप दास को हत्या करा जायतिबा अभियोग रे पुलिस जणों को अटक रखिछि एवं अधिक तदंत मध्य जारी रखिछि। शशुर घरे ज्वाई को पथर रे छेची हत्या करा जायतिबा अभियोग होइछि। गंजेई चोरा चलाण बेले तीनि जण गिरफ। एहासह गोटिए कार एवं 80 केजीर गंजेई जबत होइछे। कंथमाळर लिगुडारु एक कार जोगे गंजेई चोरा चलाण होथिला। महिसिंगी निकटरु बालीगुडा पुलिस गंजेई जबत करिछे। गिरफ होइथिबा तीनि जण युवक कंथमाळ जिल्लार बोली जणापडिछे। आसे परवर्ती खबर को। मध्यप्रदेश विदिशा जिले में बड़ धरणर घटना। लालपठार गांव एक कूर में खसी पड़ते 30 अधिक लोक से 16 जन को उद्धार करा बेले एवं भी फसी रही अनेक कू भितर 3 जन मृतदेह उद्धार करा एनडीआरएफ एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन पक्ष उद्धार कार्य जारी रही। गतकाल स्थानीय अंचल जड़े पिला कूर में खसी पड़ता ताक उद्धार करने को लगी प्रबल भिड़ लोकों गहली में कूर उपर स्लाब धसी जाता फल घटनास्थल में उपस्थित 30 अधिक लोक कूँ भितर खसी पड़ते खबर पाइबापर उद्धार कार्य जारी रही। उद्धार कार्य को त्वरान्वित करने को निर्देश देते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घटनास्थल में मंत्री विश्वास सारंग और जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी पहुंची उद्धार कार्य समीक्षा कर शेषे चीन हाथ छाड़ी निज मत बदलला हो। चीन वुहान सहर कोरोनार उत्पत्ति लिंक को एड़ाई दि जा नपे कहले विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्य। कोरोनार मूल उत्पत्ति स्थल नहीं वर्तमान भी वैज्ञानिक मैंने गवेषणा चल वैज्ञानिक मानक सहयोग करने को चीन को कहते हुर मुख्य ट्रेडोस आडानम। तेरे कोरोना महामारी आरंभ विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन सपक्ष वकिलाती सहित चीन को प्रशंसा कर मुख्य एभली बयान चीन पर समस्या सृष्टि करिछि। कोरोना महामारी उत्पत्ति स्थल खोजिपारे चीन सहयोग करने सह तथ्य और सूचना देउ बोली हु मुख्य कहिछन्ते। आगक रही आ कि गुरुत्वपूर्ण खबर नजर पकाइबा किंतु समय चेक ब्रेक रहा। ब्रेक परे स्वागत। 20 लाख भारतीय अकाउंट उपरे रोक लगाइला व्हाट्सएप। अश्लील तथा उत्तेजना सृष्टिकारी पोस्ट अभियोग में यह अकाउंट गुड़िक रोक लग जा चलित वर्ष मे 15 तारीख रु जून 15 तारीख मध्य मेसेजिंग आप व्हाट्सएप अकाउंट गुड़िक ब्यान कर यह समय मध्य व्हाट्सएप को 345 अभियोग मिली। समय मध्य देश में नुआ डिजिटल आईन लागू होगापर
ह्वाट्सअप एभली बड़ धरणर कार्यानुष्ठान नेइथिबा जणापड़िछि। देशरे नुआ डिजिटल आईन लागू हेबा परे ह्वाट्सअप प्रथम मासिक रिपोर्टरे एही तथ्य प्रकाश करिछि। नुआ आईन अनुजाई 50 लाख ऊर्ध अकाउंट थिबा सोशल मीडिया प्लाटफर्म लोकंक अभियोग को प्राधान्य देबा सह ता उपरे कोनो कार्यानुष्ठान नेउछन्ति सेने रिपोर्ट प्रकाश करिपे। एही आईन को अनुपालन करी ह्वाट्सअप पक्षरु संदेहपूर्ण एही 20 लाख अकाउंट उपरे रोक लगा जायथिबा ह्वाट्सअप निज तथ्य रे प्रकाश करिछि। जीएसटी राजस्व क्षति भरणा लागे राज्य एवं केन्द्र शासित अंचलगुडिकु केन्द्रर क्षतिपूरण राशि प्रदान। मे 28 रे बसिथिबा जीएसटी बैठक रे केन्द्र 1,69,000 कोटी टंका ऋण करे राज्य ओ केन्द्र शासित अंचलकु प्रदान करिबो बोली सहमति प्रकाश पाइथिला। जीएसटी क्षतिपूरण पांठि रे अभाव जोगु केन्द्र सरकार एभली ऋण उठाइछन्ते। एही अर्थकु विधानसभा रहितबा समस्त राज्य ओ केन्द्र शासित अंचलकु पठा जाइथिबा गुरुपार केन्द्र अर्थ मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जाइछे। केन्द्र सरकार प्रति 2 मास रे राज्य गुडीकु एही राशि प्रदान करथिबा बळे चलित आर्थिक वर्ष रे बाकी 50% अर्थ राशि प्रदान करिपाने लक्ष्य रखिछन्ते। नाली फिता तले 21,000 अधिक फाइल, गृह विभाग ठारु आरंभ कर स्वास्थ्य विभाग सबुठे पड़ रही मालमाल अभियोग। सर्वाधिक केस पेंटिंग रही राज्य गणशिक्षा विभाग में। राज्य में शिक्षा को अधिक प्राधान्य दे राज्य सरकार का उपरे उठला प्रश्न। नाली फिता तले 21,000 अधिक फाइल, गृह विभाग ठारु आरंभ कर स्वास्थ्य विभाग सबुठ पड़ रही मालमाल अभियोग। सर्वाधिक केस पेंडिंग रही राज्य गणशिक्षा विभाग में। राज्य में शिक्षा को अधिक प्राधान्य दे राज्य सरकार को उपरे उठिला प्रश्न। वर्ष वर्ष धरी विभिन्न जिले में छात्र छात्री अभियोग गढ़ुची होइपारुना शुणाणी। सबु विभाग तुलन में विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग में केस सबु पेंडिंग रही। राज्यर अनेक स्कूल कॉलेज रे छात्र छात्री विभिन्न अभियोग शुणाणी हो पारना। परीक्षा परीक्षा फल और नामलेखा को नहीं हरड़गणा पड़ी एही विभाग। द्वितीय सर्वाधिक अभियोग एही विभाग गढ़ुची। सूचना अनुसार विभाग में 1,154 अभियोग समाधान हो पारना। केवल जून मासरे 22 अभियोग। पुराणा मामला 1,134 हेले समाधान हो मात्र 2 अभियोग। राज्य सरकार को साधारण प्रशासन विभाग एही चिट्ठी कहुची वास्तवता। देखु सरकार गोटे स्वच्छ निर्मल शासन पर 5T बंदोबस्त करते इम्प्लीमेंट करते जहाँ अंडर कि आपणकर भल भल डिपार्टमेंट आप होम कहतु एजुकेशन कहतु हेल्थ कहतु यही सब डिपार्टमेंट को लेकिन 5T अंडर कार्य करें बोली गोटे स्थिर होता। किंतु बर्तमान परिप्रेक्ष्य देखा जे बर्तमान 21,000 ऊर्ध आलिगेसन पेंडिंग अच्छी जहाँकि डिस्पोज हो पारिना। एटा किए कहते ना आपणकर पब्लिक इवेंट्स सेक्रेटरी ये इंटीमेट करस आलिगेसन पेंडिंग अच्छे अभियोग लोकंर पेंडिंग अच्छी से आज पर्यटन डिस्पोज हो पारे। हाएस्ट हूँ आप देखिए दैट टू एजुकेशन रे। एजुकेशन रे जो अभियोग से अभियोग शुणाणी आज पर्यटन हो पार नहीं मात्र 2 डिस्पोज हो। सरकारी कल को स्वच्छ लोक ठीक समय उचित न्याय और प्रशासनिक कल को चलचंचल करने 5T व्यवस्था उद्देश्य बोली तबे साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विभिन्न विभाग और जिला प्रशासन को चलित मास 1 तारिखर लिखा जाइथिबा एही चिट्ठी विभिन्न विभाग रे पड़ी रहिथिबा अभियोग राज्य सरकार एवं 5T व्यवस्था उपरे प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। अभियोग रो समाधान लागि साधारण प्रशासन पक्षरु एही चिट्ठी लिखा जाइछि किंतु समाधान होइ पारुनी जाकि राज्य सरकार 5T व्यवस्था और सरकारी बाबूंक पारिबा पणिया उपरे प्रश्न चिन्ह। देखो आम जाचे जे मुख्यमंत्री जो अभियोग प्रकोष्ठ अच्छी ताहा कार्य करे नाही। केबे मुख्यमंत्री सेठी की जानतिनी अनेक समय से कथा तथ्य पदाकु आसी केबे सेठी की जानतिनी केबे बसंती नाही। तेणु स्वाभाविक हूँ जितेबाला जे जड़े जाए ना जाती ना बसंती ना समाधान केमती भाव हम जो सरकार 5T रहा कहते आमर प्रश्न जी 5T गला कड़े लोक मैंने जो दाबी आपत्ति नहीं आसान करागला ना कहीं सबुठ अधिका
ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଆସିକରି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର 5G ହେଉଛି ଏକ କେବଳ ଧୂଆଁ ବାଣ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କେବଳ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ବିବିଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ଆଇନଗତ ପ୍ରାବଧାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ଧାରା 18 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପାତ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ସଂଖ୍ୟା, ବାର୍ଷିକ ଶିକ୍ଷା ଦିବସ, ପାଠାଗାର, ଖେଳ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧାହୀନ ଯାତାୟାତ ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ଥିତି ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ RTE ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ରହୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଶୂନ ରହିଛି। ଏହା ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଗୋଟେ ବାଟରେ, ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଗୋଟେ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଏଠି ବାଟବଣା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାପା ଝିଅଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଏଲୋଖା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏ ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଓ ଚିପ୍ସ ଗଦା ହେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ବାପା ଓ ଝିଅକୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେଉଁ ରଥିଆଜେନା ପୂର୍ବ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ରଥିଆଜେନା ଯିଏ ମଦ ଡ୍ରଗ୍ସ ବାଉନ ସୁଗାର ସବୁ କାମ କାରବାର କରିବ, ଚୋରି ଫରି ସବୁ କାରବାର କରେ। ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଦମା ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆପିଲା ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମ ବାପା ମୁରବୀ ଯେହେତୁ ସବୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ 4 ବେଳେ ଧମକେଇକି ସେ ଗଲା ଜଷ୍ଟ ମିଶ୍ରବାବୁ ଥାନାରେ ଫେରି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଥିଆ ଜେନା ତାଙ୍କ ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁରା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆସି ସେ ମିଶ୍ରବାବୁ ଅଟକେଇ କଥା ହେଲେ ହେଇତେ ହେଇତେ ସେ ରଥିଆ ଜେନା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ନିରୁ ଜେନା ସବୁ ମିଶିକି ତାକୁ ଟୋଟାଲ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସାରିଛି ବୁଲେଟିନ୍, କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।